इंतजार की घड़ी खत्म। जिस प्रकार बच्चे इंतजार कर रहे हैं कब हमारा नंबर आए, कब हमारी बारी आए, कब पूज्य महाराज जी के सामने बैठकर हम प्रश्नों का उत्तर दे पाए, हो सकता है कि बच्चे इस तरीके से तैयार होके नहीं आए हों, लेकिन हमने उनके लिए भी ज्यादा कठिन भी प्रश्न नहीं रखे हैं। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा, मंच पर आएंगे और पूज्य महाराज जी से सभी बच्चे जो जो मैं बुलाऊं महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री राजीव कुमार रंजन मंच पर आए, श्री अभिषेक कुमार, श्री राज किशोर, श्री वीणा झा, श्री शीतल कुमारी, श्री नीतू कुमारी, खुशबू झा, शर्ता गुप्ता, वो बच्चे हैं जिस कार्यक्रम की आज शुरुआत ये कर रहे हैं। और मैं निवेदन करूंगा कि इस कार्यक्रम के बारे में पूरी जानकारी आप सभी को प्राप्त होगी। निवेदन करूंगा सभी अपने अपने स्थान पर बैठे, और सबसे पहले आप खड़े हो जाएं। राजीव कुमार झा, आप कहां से हैं? श्री राजीव कुमार रंजन कहां से हैं ये माइक में बताएंगे, और क्या नाम है? राजीव कुमार रंजन, कुशेश्वर स्थान, दरभंगा जिला। दरभंगा जिले से, कुशेश्वर स्थान से। अभिषेक कुमार, जिला समस्तीपुर, गांव मुशापुर। अभिषेक कुमार, राजीव किशोर, ये छोटे से हैं, छोटे से नन्हे से, लेकिन हौसला इतना अच्छा कि हमारे दो प्रश्नों में ये आगे बढ़े हैं, दो प्रश्नों का जवाब देकर। आप कहाँ से हैं? राज किशोर झा, ग्राम फुलवरिया, जिला समस्तीपुर। जोरदार ताली बजाएंगे। वीणा झा, हिरनी से हूँ, जिला दरभंगा। धन्यवाद। नीतू कुमारी, जिला दरभंगा। जिला दरभंगा। खुशबू झा, कहाँ से हैं? भैरव बलिया, जिला मधुबनी। जिला मधुबनी। सरिता गुप्ता, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट से, गांव करजा। शीतल कुमारी, कहाँ से हैं? कुशेश्वर स्थान, जिला दरभंगा। कुशेश्वर से यहाँ पर नाम लिखे हैं, दो नाम आए हैं कुशेश्वर से। तो एक बार जहाँ पर ये कार्यक्रम हो रहा है कुशेश्वर स्थान, तो एक बार जोरदार ताली बजाएंगे इन बच्चों के लिए, और भगवान से एक ही प्रार्थना कि हम चाहते हैं कि जिस प्रकार आप इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं, अपने उन बच्चों को जो इस समय आस्था चैनल पर देख रहे हैं, उनको संस्कार देने के लिए आपका एक स्वरूप आज तय होगा, और आप उनको प्रेरणा दे पाएंगे जो भी बच्चे यहाँ पर हैं। और कार्यक्रम के विस्तृत पूरी जानकारी पूज्य महाराज श्री आप सभी को देंगे। जो प्रश्न पूज्य महाराज जी करेंगे उसका आप सभी को जो भी जल्दी से जल्दी उत्तर देगा वो पूज्य महाराज जी के साथ बैठकर चेयर पर बैठ के उसके बाद उसको खेलने का मौका दिया जाएगा। बताना चाहूँगा ये मौके केवल और केवल तीन बार आप सभी को प्राप्त होंगे, केवल और केवल तीन बार। यानी एक बार यदि जो बच्चा हटता है दोबारा मौका सात को मिलेगा, उसके बाद में दूसरा हटता है तो छः को एक और मौका मिलेगा। यानी तीन मौके आप आठ लोगों को दिए जाएंगे। तो निवेदन करूँगा तैयार हो जाएं, भगवान को मनाएं, और हमारी इच्छा है, विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट की इच्छा है कि पहले ही दिन, पहले ही कार्यक्रम से जो राशि हमने लिखी है 1,11,000 रुपये, वो आप कोई ना कोई कम से कम आठ में से कोई ना कोई एक यहाँ से लेके जाए, जिससे कि हम
सभी भक्तों को बता सकें कि विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट का जो लक्ष्य था उसमें पहले ही दिन से हमें सफलता प्राप्त हुई है कि हमें ऐसे ऐसे बच्चे मिले हैं कि जो राशि आप देंगे वो उसको प्राप्त करेंगे और हिंदू धर्म का नाम रोशन करेंगे। चलते हैं हम सबका धर्म मंच की ओर, पूज्य महाराष्ट्र के सानिध्य। सभी एक बार प्यार से बोलेंगे राधे राधे। पहले मैं एक अपील करूंगा आस्था चैनल के सभी श्रोताओं से, आप पूरा ये कार्यक्रम ध्यान लगाकर देखेंगे सुनेंगे और आपके धर्म के प्रति आपकी भी कोई जिम्मेदारी है उसकी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। इस कार्यक्रम को पूर्ण होने के बाद आप ये बताएंगे कि आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, आप ये बताएंगे कि हम इस कार्यक्रम को कंटिन्यू करें या ना करें, आप हमको ये बताएंगे कि हम इसमें और क्या कर सकते हैं। तो आप सबसे मेरा निवेदन है, आप सभी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे इस धर्म के लिए है और आप सबका पूर्ण ध्यान इस समय आस्था चैनल पर होना चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये एक नया प्रयोग है हमारे बच्चों के और आज सिर्फ 111,000 से शुरू हो रहा है। अगर आपका सपोर्ट हमें मिला, अगर हमने अपने मन का संकल्प पूरा किया जो मेरे मन में है, आने वाले समय में भगवान करे इस हम सब के धर्म मंच की जो राशि होगी बहुत जल्द मेरा ठाकुर कृपा करे 1,11,000 रुपए होगी और जो भी इसको सही प्रश्न का उत्तर देगा उसे 1,11,000 रुपए मिले, ऐसे में भविष्य में प्रार्थना। लेकिन इसके लिए पहली जिम्मेदारी आपकी कि आप देखें समझें और फिर बताएं कि ये कैसा आपको लगा। तो बच्चे लोग पहले ध्यान से सुनेंगे सभी, एकदम आप लोग कोई भी नहीं बोलेंगे, आप बच्चों को पूरा ध्यान देना है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, इसमें आपको मुंह से बताना नहीं है, आपके हाथ में एक कॉपी पेन है। जैसा मैं आपसे प्रश्न पूछूं वो क्रमबद्ध तरीके से आपको अपनी कॉपी में लिखना है और जो सबसे पहले लिख देगा वो मेरे साथ यहां पर आकर मंच पे मेरे साथ ये जो हम सब का धर्म मंच है इसको आगे बढ़ाएंगे हम। लेकिन सबसे पहले जो लिखेगा वही, सेकंड जो लिखेगा आप लिख के कंप्लीट करके ही अपनी कॉपी छोड़ेंगे, हो सकता है वो ज्यादा देर जवाब ना दे पाए, तो जो सेकंड हाथ उठाएगा जो लिख के फिनिश करेगा फिर उसको मौका मिलेगा, जो थर्ड अगर वो भी नहीं उठा पाए तो थर्ड। तात्पर्य शिदासा है, आप पे जितनी देर में लिखा जाए वो तुरंत आप फिनिश करें और सबसे पहले फिनिश करते ही हाथ उठा देंगे, जिससे हमें ये पता चले कि सबसे पहले और सेकंड थर्ड फोर्थ किसने लिखा है। उसी हिसाब से उसी क्रम के हिसाब से आपके पीछे हमारे लोग खड़े हैं, सिर्फ आपको हाथ उठाना है कॉपी वाला और कुछ नहीं करना, सबसे पहले फिनिश करके। और आप सभी ध्यान से, आप जनता जनार्दन, आपने बहुत सारे टीवी शो देखे होंगे, वो सब रिकॉर्डेड होते हैं, लाइव टेलीकास्ट शो नहीं होते हैं। आप सबकी जिम्मेदारी है, आप सिर्फ दर्शक बनकर ये कार्यक्रम देखेंगे, कोई भी इशारा शब्द वार्तालाप आप कोई नहीं करेंगे। हजारों की भीड़ में ऐसा कार्यक्रम करना आसान नहीं है, लेकिन मुझे मेरे कन्हैया पर यकीन है, मुझे मेरे ठाकुर पर विश्वास है। आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, आपको सिर्फ बैठकर सुनते रहना है, देखते रहना है और मेरे धर्म को आगे बढ़ाना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप में से कोई ना बोलेगा ना इशारा करेगा, जो इशारा करेगा उसको कथा पंडाल से बाहर कर दिया जाएगा, ये ध्यान रखना है। जितने भी प्रश्न होंगे इन बच्चों से होंगे और इन बच्चों को ही जवाब इसका मुझे देना है, आप में से कोई जवाब नहीं देगा, बिकॉज दिस इज लाइव टेलीकास्ट। तो आप ओनली ऑन सी, देखते रहो सुनते रहो और कुछ नहीं करना। तो बच्चे आप लोग सब तैयार हैं, पूरा कंप्लीट तैयार हैं, पेन को कॉपी पे रख लें, अपनी नजरें कॉपी पे टिका लें और आपको मेरे प्रश्न को क्रमबद्ध तरीके से, मैं पहले आपको समझा दूं, बड़े से लेके छोटे तक जाना है आपको। मैं जो आपसे प्रश्न पूछूंगा क्या है वो मैं बाद में बताऊंगा, आपको बड़े से शुरू करना है और सबसे छोटे पे खत्म करना है, ठीक है? आपको बताना है, प्रश्न शुरू होता है, आपका ध्यान कॉपी पेन पे होना चाहिए, आपकी नजरें कॉपी पे होनी चाहिए और आपको बताना है महाराजा चक्रवर्ती दशरथ के चारों पुत्रों का नाम आपको कॉपी पे निकलना है, बड़े से लेकर छोटे तक आपको जाना है।
यहीं पर ये फर्स्ट, आप फर्स्ट आए हैं, आपका नाम? अभिषेक कुमार फर्स्ट आए हैं, जोरदार ताली बजाएंगे अभिषेक कुमार के लिए, जोरदार ताली बजाएं। तुमको ताली बजाने में भी शर्म आ रही है क्या? सेकंड आप हैं, सेकंड हैं, सेकंड थी बीना झा और फर्स्ट थे, थर्ड थे राजीव कुमार रंजन। आप लोग मंच पे ही बैठे रहेंगे, कोई उठेगा नहीं। और हमारे क्या नाम है आपका? अभिषेक। अभिषेक आपको ये कुर्सी पे बैठने का अधिकार प्राप्त है, अब आप कुर्सी पे बैठ जाएंगे और आप लोग जोरदार तालियां बजाकर हेलो सिराज, आपसे मेरा निवेदन है कोई भी ध्यान रखेंगे, जो प्रश्न पूज्य महाराज जी करेंगे जो बैठे हैं यहां से कोई भी इशारा नहीं करेंगे और सीधे चलते हैं। अभिषेक आपका मुंह मेरी तरफ होना चाहिए, चेयर थोड़ा घुमा दीजिए। एक बात का आपको विशेष ध्यान देना है, प्रश्न का उत्तर देते वक्त आपको सिर्फ मेरी तरफ देखना है, अगर आप दूसरी दिशा में जाएंगे तो उतनी धनराशि में कम कर दूंगा या फिर आपसे खेलने का अधिकार छीन लूंगा, क्योंकि ये धर्म की बात है। पूरी सत्यता के साथ हमको और आपको ये पूरा आगे बढ़ाना है इस कार्यक्रम को, ठीक है? समझ में आ रही है आपकी बात? आप प्रश्न का उत्तर आराम से देंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, सोच के समझ के आराम से जवाब दीजिए। और आपकी जानकारी के लिए, खुशी के लिए एक बात बता दूं, 15 प्रश्नों का जवाब देंगे तो आपको 1,11,000 रुपये भगवान के प्रसाद मिलेंगे। और अगर आप वहां तक नहीं भी जा पाए, अगर आपने 7 प्रश्नों का जवाब सही दे दिया तो भी आप यहां से खाली हाथ नहीं जाएंगे, तो भी हम आपको 11,000 रुपये देकर भगवान के प्रसाद में वो तब आपको यहां से विदा करेंगे। आप क्या करते हैं, आप क्या करते हैं जरा बताइए, और आपके पिताजी क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। कौन सी क्लास में? 12th का इस बार एग्जाम दिए हैं। 12th का एग्जाम दिए हैं? पिताजी? पिताजी मजदूरी करते हैं। पिताजी क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं, खेती करते। तो देखिए ये बहुत अच्छी बात है, एक डाउन टू अर्थ बच्चा हमारे साथ जुड़ा हुआ है, और ये पूरा और मेरा सौभाग्य है कि आज हम कार्यक्रम की शुरुआत भी कर रहे हैं तो ऐसे घर से, ऐसे परिवार से जो जमीन से जुड़ा हुआ है, तो मेरा सौभाग्य है। एक बार जोरदार ताली बजाकर आप अभिषेक आप तैयार हैं खेलने के लिए? कुछ इसके लिए तैयारी करी थी आपने, पढ़ाई वढ़ाई कुछ ऐसा जब आपको पता चला तो आपने कुछ किया था, प्रिपरेशन किया था? जी हम भागवत कथा सुन, जरा जोर से बोलिए, शर्माना किस बात का है, माइक को मुंह पे लगा के सबको सुनना चाहिए, कुछ प्रिपरेशन किया था? भागवत कथा सुनने के लिए हम यहाँ आए हुए हैं और हमारा घर समस्तीपुर है, इसलिए हमारे पास कोई किताब नहीं था, इसलिए हम कोई तैयारी नहीं करते, कोई तैयारी नहीं कर पाए नहीं। और फिर भी सबसे आगे आकर बैठ गए विदाउट एनी प्रिपरेशन, तो आप यहाँ बैठ गए हो तो ये अपने आप में बहुत अनोखी बात है। मुझे तो खुशी होगी अगर आप ये पूरा 15 प्रश्न का उत्तर आप सही दें और भगवान का जो प्रसाद है वो पूरा लेकर जाए, अधूरा ना लेके जाए। तो आप तैयार हैं? आपसे भी ये पहला प्रश्न है मेरा, ध्यान से सुनेंगे, हर प्रश्न के 3 आंसर मैं आपको दूंगा, ध्यान से आपको सुनना है और उसमें से जो 1 सही जवाब होगा बाकी के 2 गलत होंगे। सारा क्लियर है? सिर्फ 1 ही उत्तर है जो सही होगा, बाकी के 2 गलत होंगे और आपको वो सही उत्तर चुनना है, और जैसे जैसे आप बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे आप उस आशीर्वाद के और करीब चले जाएंगे, ठीक है? पक्का शुरू करें? आपके गुरु जी कौन है? मेरे गुरु जी मेरे नाना नानी है। आपके नाना नानी गुरु जी हैं जी। तो एक बार आंखें बंद करिए और अपने गुरु जी को प्रणाम करिए, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु वे नमः। तो गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करके आइए, आज हम शुरू करते हैं। और आपका सबसे पहला प्रश्न है, आपके लिए सबसे पहला प्रश्न, ध्यान देंगे आप, राजा परीक्षित को
राजा परीक्षित को कितने दिन का श्राप लगा था कि तुम्हें कौन से दिन तक्षक सर्प डस लेगा, ध्यान से सुन ले। पहला 9 दिन, दूसरा 6 दिन, तीसरा 7 दिन। 7 दिन सोच के बोलना है आपको जी। पक्का है ना जी? पक्का। जवाब सही है जी? सही। आपके हिसाब से जी? सही। तो आप लोग ताली बजा सकते हैं। एक और आपको इनाम देते हैं। अब अगर आप यहां से सेकंड क्वेश्चन भी गलत करेंगे तो भी आप 1100 रुपए यहां से प्रसाद के रूप में लेके जाएंगे। ये भगवान व्यासपीठ की तरफ से आपको मिलेगा ही मिलेगा, और वो पैसा नहीं होगा, रुपया नहीं होगा, वो प्रसाद होगा। तो ये तो पक्का हो गया, कंफर्म हो गया कि आप यहां बैठ गए तो कुछ ना कुछ लेके ही जाएंगे, राइट? तो अब कैसा लग रहा है? पहला प्रश्न थोड़े हल्के हो गए जी, बहुत हल्के। कोई वजन तो नहीं लग रहा है? ना, कोई वजन नहीं। पहले लग रहा था ना हल्का सा आपके, जब कुर्सी पे जब आप आकर बैठे तो मुझे लग रहा था आप थोड़ा सा लग रहा है कि वजन ज्यादा बढ़ा हुआ है, लेकिन आप थोड़ा हल्का हो जाइए। आप पहले प्रश्न का जवाब सही दे चुके हैं। और दूसरा प्रश्न है, भगवान श्री कृष्ण को खाने में क्या पसंद था? भगवान श्री कृष्ण को खाने में क्या पसंद था? पहला दूध से बनी हुई खीर, या फिर दही दूध से बना हुआ माखन, या तीसरा माँ यशोदा के हाथ का बना हुआ पुआ। भगवान कृष्ण को क्या पसंद था खाने में? माँ यशोदा के हाथ से बना हुआ पुआ। देखिए आप हड़बड़ी में जवाब दे रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। आपको कोई वार्तालाप नहीं करनी है मंच पे और मंच से नीचे, आपको शांत होकर सुनना है। सिर्फ ये काम बच्चे का है जो मेरे साथ खेल रहा है, और आपको कोई भी हड़बड़ी, खीर भी तो अच्छी लग सकती है भगवान को, नहीं? खीर के बारे में कोई विचार आपका भगवान के लिए, या माखन के बारे में कुछ ऐसा कुछ सब सोचते हो? माँ तो माँ होती है तो माँ के हाथ से नहीं, माँ के जरूर थोड़ी पुआ माँ के हाथ का बनता हो, वो तो सबके हाथ का मिल सकता है। पुआ चलो माँ के हाथ का छोड़ देते हैं, हम सिर्फ पुआ समझ लो। पुआ तो मक्खन ही होगा है? मक्खन ही होगा तो। अरे माइक को मुंह पे रख के बोले तो जी मक्खन होगा तो नहीं, अब पुआ से मक्खन होगा ये कंफर्म है जी। पुआ हटा दिया आपने जी, क्यों जी? इसलिए कि वो माँ का हाथ का नहीं है, सिर्फ पुआ ही है, इसलिए यही होगा। तो माँ के हाथ का होता तो थोड़ा इमोशनली टच अटैच हो गए आप इमोशनल। आप इसका मतलब है आप अपनी माँ के बहुत नजदीक हैं? पक्का जी। मम्मी से ज्यादा प्यार है कि पापा से? माँ से। बच्चों का होता है, लड़कों का बाप पिताजी से थोड़ा कम, माँ से ज्यादा होता है। तो आप फाइनल जवाब मेरे को ये देंगे, सही जवाब देंगे, आप सोच समझ लें, क्योंकि आपके 2 आंसर मेरे पास आए, एक पुआ और एक माखन। आप क्लियर करके बताइए जिससे हम आगे बढ़ेंगे। अगर माँ के हाथ का नहीं बना, वो माँ के हाथ का छोड़ दीजिए, 3 चीज मैं आपको दे रहा हूँ, खीर माखन पुआ। माखन है? माखन। माखन जी, तो आपको अधिकार है ताली बजाने। और आप दूसरा प्रश्न भी जीत चुके हैं, प्रश्न आपने दूसरी सीढ़ी भी पार कर ली है, लेकिन आपको माखन के बारे में बड़ा फेमस है, भगवान का पुआ पे क्यों चले गए यार? इसलिए कि माँ थी उनके साथ ना। अरे माँ का तो थोड़ा माखन कौन सा खबर, कोई बाहर का खिलाता था माखन? माँ भी माखन खिलाती थी। तो आपको एक बात ध्यान रखना है इस बात का कि अब थोड़ा, क्योंकि आप खेल रहे हैं इसलिए हमको थोड़ा सा, तो हम चाहेंगे आप पूरे 15 तक जाएं, आप दूसरे पे ही माँ के हाथ का टच, थोड़ा इमोशनली मत जाइए, हम चाहते हैं आप आगे बढ़िए, ऊपर तक जाइए जी जी ठीक, माँ तक, क्योंकि बहुत जनता इस समय आपको देख रही है, करोड़ों करोड़ों लोग देश विदेश में आपको देख रहे हैं, और वो चाहते हैं, आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमारे नौजवान, हमारे भारत के नौजवान इतने होने चाहिए जिन्हें पूरा ज्ञान हो धर्म के बारे में। सबकी टकटकी देखिए, सब आपको देख रहे हैं, ये सब चाहते हैं विश्व शांति मिशन आपको जाए, ठीक है? और आप सब, जब तक मैं न कहूं आपसे कि प्रश्न का जवाब सही है,
तब तक आप ताली नहीं बजाएंगे, बिकॉज दिस इज अब ये चाहते कि आप भी कुछ थोड़ा सा गुनगुना दीजिए, बस एक ही लानी है, एक गुनगुना दीजिए तब हम पूरा कर देंगे। ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। मुझे लगता है आप कथा कह सकते हैं, आपका गला अच्छा है, आप प्रैक्टिस करिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो गला और भी सुंदर हो जाएगा। जब मेरे जैसा व्यक्ति गा सकता है तो आप क्यों नहीं गा सकते हैं। तो आइए हमारे अभिषेक जी जो हमारे साथ खेल रहे हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने कल भी आपको बताया था कि भगवान को माखन कितना प्रिय है, भगवान को माखन इतना प्रिय है कि उनको चोरी भी करनी पड़ी तो माखन के लिए वो चोरी करने जाते थे, और माखन चोरी करते वक्त वो सकुचाते नहीं थे, वो खुश होते थे, वो आनंद में रहते थे। तो महाराज आप दो प्रश्नों का सही जवाब दे चुके हैं, अब तीसरे प्रश्न की बारी है, आप रेडी हैं? जी रेडी हूं। पक्का? गंगा जी को प्रश्न है, ध्यान से सुनेंगे आप भी, और आप विशेष अभिषेक विशेष तौर पर आप ध्यान दें पूरा। गंगा जी को पृथ्वी पर कौन लाया था? ऑप्शन नभग, भागीरथ, और तीसरे हैं हरिश्चंद्र। भागीरथ। आप बिना सोचे समझे बोल देते हैं। नहीं सही है, भागीरथ ही होगा। नहीं तो नभग भी उन्हीं के परिवार के थे, वंश के थे। गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है, इसलिए भागीरथ ही होगा। गंगा को क्या कहा जाता है? भागीरथी कहा जाता है। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? ट्वेल्थ का एग्जाम दिए हैं। ट्वेल्थ का एग्जाम दिया, मतलब ट्वेल्थ का एग्जाम देने वाला भी ये जानता है कि गंगा को भागीरथी कहा जाता है, तो मतलब सही जवाब है। एकदम सही जवाब, सटीक सॉलिड जवाब, बिना सोचे। मैं आगे बोलता उससे पहले आपके दिमाग में आ गया था, बिल्कुल आ गया था। गंगा को कौन लाया था तभी आ गया था। जी, जी। मुझे कैसे पता? मेरी भी तीसरी आंख खुल रही है शायद, ऐसा लग रहा है मुझे। है तीसरी नहीं, मेरी चौथी पांचवी छठवीं सातवीं आठवीं सब बंद है फिलहाल। तो मैं आपको देख के समझ गया था, आपका चेहरा देख के समझ गया था कि मेरे प्रश्न करते ही आप समझ गए थे कि आपका उत्तर क्या है। सही है ना? तो गंगा के बारे में आप कुछ कहना चाहें? गंगा के बारे में जानते कुछ आप? गंगा हमारे देश के लिए वरदान है। थोड़ा मुंह पे रख के बोलिए ना, तो वो पूरे देश को संदेश जाना चाहिए। गंगा हमारे देश के लिए वरदान है, इसी से हमारे यहाँ का जमीन अपनी उर्वरा क्षमता बनाए रखती है, और इसे हमें रक्षा करनी चाहिए, इसमें प्रदूषण नहीं फैलाना चाहिए। लेकिन आप एक बात जानते हैं, आज गंगा को बीच बीच में जैसा आजकल आंदोलन चल रहा है, उसके बारे में आप जैसे नौजवानों को क्या रोल होना चाहिए? आपको क्या लगता है कि नौजवानों का गंगा बचाने में, जमुना बचाने में, या धर्म को बचाने में क्या रोल हो सकता है नौजवानों का? आप कुछ कहना चाहेंगे इस विषय में, विशेष तौर पर अभी गंगा बचाने के विषय में आप बोलें? जी मैंने न्यूज़ पर सुना था कि कुछ महात्मा लोग हैं वो गंगा बचाने के लिए अनशन कर रहे हैं जी, और उन्हें ज़बरदस्ती उठा दिया जाता है और वो हॉस्पिटल में रखा दिया। एक महात्मा जी का तो प्राणांत भी हो गया है जी, इसी विषय में जी। तो आप जैसे नौजवानों को आगे नहीं आना चाहिए जी, तो इसमें तो आना ही चाहिए हम लोग। लेकिन क्यों नहीं आते हैं जी? और इसके लिए आप अपील करिए कि नौजवानों को धर्म में आना चाहिए, धर्म की रक्षा करनी चाहिए, और जैसे भी ऐसे धर्म से युक्त आंदोलन हो तो उनमें जरूर हाथ बटाना चाहिए, ऐसा आपको बोलना चाहिए शायद मेरे विचार से। जी जी ठीक है, आइए हम और आप चलते हैं चौथे प्रश्न की तरफ, और ये आपको सातवें प्रश्न के और भी नजदीक ले जाएगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक भजन गा लें जी, गा लें, थोड़ा आप भी हल्के हो जाएंगे जी, क्योंकि ऐसे बैठे बैठे रहेंगे तो सब लोग भी बोर हो जाएंगे जी, क्योंकि ज्यादा प्रश्न सुनने की इनकी आदत नहीं है जी, जी, और आप भी थोड़ा पजल हो जाएंगे ज्यादा ज्यादा प्रश्न दे। तो आइए मेरे साथ एक भजन गाएंगे, उससे बाद फिर इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, इंतजार करेंगे आप और आगे बढ़ेंगे हम और आप सभी। सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे, मेरा निवेदन है अपने अपने स्थान पर जो पीछे खड़े हैं सभी बैठ जाएं, और अभी हम जुड़े हुए हैं हम सबका धर्म मंच जहां पर पूज्य महाराज जी के सामने बैठे हैं अभिषेक जी, और जिस प्रकार दिल्ली कार्यालय में फोनों की लाइन लगी हुई है
और जिस प्रकार हमें संदेश मिल रहा है कि पूज्य महाराज जी ने जो अभियान प्रारंभ किया है, आज तक कोई भी भक्त, कोई भी महाराज, कोई भी संत, कोई भी इस दिशा की ओर बढ़ नहीं पाया। और पूज्य महाराज जी ने जिस तरह संकल्प लिया है कि हमारे जो यंग बच्चे हैं उनमें अपने धर्म का जो जीव जो पुरोया जाए, जिस प्रकार अपने बच्चों में आगे और बढ़ाया जाए कि अपने हिंदू धर्म का पालन करें, अपने हिंदू धर्म के बारे में जानकारी अर्जित करें, तो पूज्य महाराज जी के साथ अभी बैठे हैं अभिषेक। और हमारे जिस प्रकार दिल्ली कार्यालय में जो लिस्ट हमें प्राप्त हुई है, जो भक्तों ने आश्रम निर्माण में सहयोग दिया है, 11,000 रुपये का सहयोग श्रीमती राजेश्वरी राम निवास शुक्ला सरिता छत्तीसगढ़ से, 11,000 रुपये का सहयोग श्रीमती अर्चना नाम देकर अपने पति की पुण्य स्मृति में छिंदवाड़ा MP से, 11,000 रुपये का सहयोग श्री रविंद्र कुमार पांडे गांव कायुथल हरपाल बिहार से, और 11,000 रुपये का सहयोग नरेंद्र कुमार बिमला देवी ज्योतिष जयपुर राजस्थान से, 11,000 रुपये कुमारी अनीता खुर्जा UP से। जोरदार ताली बजाएंगे सभी दानदाताओं को। और मैं निवेदन करूंगा जो भी भक्त इस समय पर सहयोग देना चाहते हैं दिल्ली कार्यालय में फोन करें, अभी अपना नाम अंकित कराएं और मात्र 15 से 20 मिनट में आपके नाम की घोषणा हम यहाँ से करेंगे। सीधे चलते हैं आपके धर्ममंच, हम सबका धर्ममंच पूज्य महाराज जी के सानिध्य। अभिषेक, आपको याद है कि आपने कितने प्रश्नों का उत्तर दे दिया? नहीं याद। ये यार, 12th का पेपर कैसे दिया फिर, इतनी जल्दी भूल जाएगा। अभी तक आप 3 प्रश्नों का उत्तर मुझे सही दे चुके हैं और अब चौथा प्रश्न आपके सामने आ रहा है। लेकिन आप नाचने में इतनी कंजूसी कर रहे थे। अभी तक मैं कभी नहीं नाचा महाराज। लेकिन आज नाचे, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और नाचे भी किसके लिए? कान्हा के लिए। कान्हा के लिए जी। कान्हा से प्यार करते हैं जी? कितना? बहुत। कितना? बहुत। चलो वृंदावन चलोगे मेरे साथ? जी जी चलेंगे। तो ये अर्जुन जी हमारे देखो नाचने में थोड़ा शर्म कर रहे थे पहले, बोले हमारे लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। अरे लोगों को दे। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। भगवान के आगे नाचो, कहीं बीत न जाए रहना है, भगवान के आगे नाचो। अब कितने, देखिए आप लोग, इतना बड़ा समूह यहाँ एकत्रित है, मैं बहुत कम समय आपके साथ और हूँ, मात्र और मात्र 45 मिनट और हूँ मैं आपके साथ, सिर्फ 45 मिनट, और फिर पता नहीं कि इस जगह पर आना हो ना हो। इसलिए आनंद के साथ अभिषेक का हौसला बढ़ाते रहें और अभिषेक के लिए प्रार्थना करें कि पूरे 15 प्रश्न का जवाब दे और यहाँ से हमें भी प्रसन्न करके जाए। तो आपके सामने 14 प्रश्न अभिषेक जी, और 14 प्रश्न है आत्मदेव जी। नाम सुना है? जी जी। कौन है ये? ये आत्मदेव। चलो हम प्रश्न कर देते हैं फिर जवाब देना जी। आत्मदेव जी, हम आपको इशारा कर दें, ये गोकर्ण जी के पिताजी थे जी जी। और कुछ सपोर्ट करें? धुंधली के हस्बैंड थे जी जी। और धुंधकारी के पिता ही थे। था तो अब इतना ही सपोर्ट कर सकते भाई आपको। अब सारा उत्तर तो आप ही को देना होगा। तो आपको बताना है कि आत्मदेव जी किस नदी के किनारे रहते थे। नदियों के नाम हम आपको गिना रहे हैं, बता दें कि मालूम है? नहीं मालूम है। नहीं मालूम। नहीं मालूम तो बता दें जी। बता दें। हम थोड़ी बताएंगे, हम तो आपको ऑप्शन दे सकते हैं। ऑप्शन दे दीजिए। ऑप्शन देंगे फिर आपको डिसाइड करना है। गंगा, तुंगभद्रा और नर्मदा, ये 3 नदियां हैं। आपको बताना है कि आत्मदेव जी किस नदी के तट पर रहते थे। गंगा, तुंगभद्रा और नर्मदा। कुछ भी इसके विषय में जानते हैं? नहीं, कुछ नहीं जानते। और अभी 14 प्रश्न है, लेकिन हम बहुत सरल प्रश्न दिए। आप भागवत बहुत सुनते हो इसलिए हमने आपको बहुत सरल प्रश्न दिया है, और आपको जवाब दोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, और आपको देना पड़ेगा। कोई आइडिया तो लगाइए, कुछ भी, किसके विषय में आपका दिमाग जा रहा है इस समय? तुंगभद्रा के विषय में। हैं? तुंगभद्रा के विषय में। तो फिर क्यों एक दाव नहीं खेल लेते? खेल लो एक दाव, क्या है, हारेंगे तो हारेंगे, जीतेंगे जीतेंगे। जी, 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 नर्मदा के बारे में कुछ सुना है जी? नहीं।
नहीं सुना नर्मदा के विषय में ही नहीं सुना? सुने हैं लेकिन लगता है तो वद्रा ही होगा। लगता है कि है, लगने में तो फिर चौथा प्रश्न है, और अभी सातवें प्रश्न के लिए तीन जवाब मुझे और चाहिए आपसे, और मैं चाहता हूं कम से कम आप 11 लेके जाए यहां से। आप अपना फाइनल आंसर मुझे दीजिए। तुंगभद्रा। पक्का? डेफिनेट, कोई चेंजेस नहीं है? इतनी इच्छा शक्ति दृढ़ है आपने, मुझे लगता है सिर्फ और सिर्फ ये आप गेस कर रहे हैं जी, सिर्फ गेस कर रहे हैं, राइट जी। लेकिन जब आप अपने गुरु को प्रणाम करके गेस करेंगे तो आप सफल ही होंगे, अनसक्सेस नहीं सक्सेस ही होंगे। आपका जवाब एकदम सही है। भागवत के महत्व में हम ये बताते हैं कि तुंगभद्रा नदी के तट पर आत्मदेव रहते हैं जिनके कोई पुत्र नहीं था, और ये कथा हम पहले ही दिन अधिकांश भागवत में बताते हैं, और इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग अभी भी जो टीवी पर सुन रहे हैं या पर जो यहाँ बैठे हैं, आज अभिषेक मेरे साथ है, कल हो सकता है आपका कोई राहुल, हो सकता है आपका कोई सचिन, हो सकता है आपका कोई आरती, दीपक, जो भी हो आपके बच्चे, वो भी मेरे साथ हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है, आज इसका गेस तो सफल हो गया लेकिन आपको अपने बच्चों को प्रिपरेशन जरूर करानी चाहिए, और धर्म को कुछ न कुछ बताना चाहिए। और मेरा दावा है, अगर आप अपने बच्चों को कुछ अच्छा बताएंगे तो मेरे पास से वो कुछ न कुछ जरूर लेके जाएंगे, मेरा दावा है। खाली हाथ नहीं जाने देंगे, जो एक बार मेरे साथ कुर्सी पे बैठेगा वो कुछ न कुछ लेके जरूर जाएगा। तो आप बहुत अच्छे हैं, मैं आपके माता पिता को प्रणाम करना चाहूँगा जो आपको जन्मे हैं और आप इतना जानते हैं धर्म के बारे में, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और माता पिता को मेरा प्रणाम कहिएगा जरूर जाके। अब आपका पांचवा प्रश्न, चार प्रश्न आप फिनिश कर चुके हैं, तीन प्रश्नों का जवाब और दे देंगे तो कम से कम 11,000 रुपए लेके जाएंगे आप यहाँ से, ठीक है ना जी, जी। मालूम है जी। ये हमने रूल में नहीं बताया था शुरू में, लेकिन हम चाहते थे कि जो यहाँ आए हैं वो कुछ लेके जाएं। तो तीसरा, आपको मैंने बताया चार प्रश्न आप दे चुके जवाब, पांचवा प्रश्न आपके सामने है, अभिमन्यु किसका पुत्र था? दुर्योधन, सहदेव, अर्जुन, ये ऑप्शन है आपके। अर्जुन। मालूम है जी? मालूम है। क्या मालूम है इनके बारे में? अभिमन्यु जब गर्भ में थे तो अर्जुन कुछ समझा रहे थे चक्रव्यूह भेदन। क्या समझा रहे थे? बोलिए ना, काहे डरते हैं, पूरी दुनिया आपको देख रही है, माइक आपके हाथ में, जो भी है बोलो, बोलना है वो बोल डालो बस। अच्छा वक्ता वही है जो मन पे आए बोल डाले, सोचे ना होगा तो होगा, देखते हैं, बच्चे वक्ता बनो। चक्रव्यूह भेदन के बारे में कुछ बता रहे थे, उस समय वो सो गई थी उनकी माँ, तो उससे निकलने का नहीं समझ पाए थे। चक्रव्यूह किसने तोड़ा था? महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु ही तोड़े थे, लेकिन लौट नहीं आए थे। जी, लौट नहीं आए थे। तो क्या पिताजी का नाम अर्जुन फाइनल कर दें? जी जी फाइनल। पक्का है? जी जी पक्का। पूरा श्योर है? जी श्योर। तो आपको अधिकार है, आप ताली बजाएं। बात कहना चाहूंगा आपसे, अभिमन्यु दुर्योधन ने नहीं मारा, अभिमन्यु सप्तर उन महारथियों ने नहीं मारा, अभिमन्यु मारा अभिमन्यु की मां ने। ध्यान से सुनेंगे जितनी भी मां बैठी हैं यहां या टीवी पे जो सुन रही हैं, अभिमन्यु को मारने वाली उनकी मां थी सुभद्रा। अगर थोड़ा देर और जग गई होती, थोड़ा देर और जग गई होती तो जहां अभिमन्यु को चक्रव्यूह तोड़ना आ गया था वहीं अभिमन्यु को चक्रव्यूह से निकलना भी आ जाता, लेकिन सो गई। उस वर्णन को होने से पहले, किस तरह से निकला जाए वो होने से पहले माँ सो गई, और आज भारत की माँ भी सोई हुई है, इसलिए आज का अभिमन्यु कुचक्रों में जाके फंस जाता है, कोई चोरी के कुचक्र में, कोई रेप के कुचक्र में, कोई डिस्को के कुचक्र में, कोई लड़कियों के कुचक्र में, कोई किसी कुचक्र में। क्यों? क्योंकि आज की सुभद्रा सोई हुई है। अगर आज की सुभद्रा जग गई तो अभिमन्यु चक्रव्यूह का भेदन आज भी कर सकता है, आज भी कर सकता है, आज भी कर सकता है। अभिमन्यु को चाहिए कि वो अपने इस चक्रव्यूह का भेदन करे। आज मैं भारत की माताओं से, इस हम सब के धर्म मंच से
एक संदेश देना चाहूँगा, अगर तुम माँ बनना चाहती हो तो अपने बच्चे को पूरी तरह से जीवन के चक्रव्यूह को कैसे तरह तोड़ा जाए ये सिखाइए, ये बताइए। बोलो राधे राधे। और आज के बच्चों के लिए एक बात है, माँ से बड़ा तीरथ जग में नहीं है, यही है बद्रीनाथ, इसी माँ ने जन्म दिया था तभी तो आदि है नाथ। माँ का आंसू एक गिरा तो, माँ का आंसू एक गिरा तो तेरा झूठा साथ, माँ के बिना सुन जग में माँ के बिना तू अनाथ। जिसकी माँ नहीं है वो बच्चा अनाथ हो जाता है और जिसकी माँ है वो सनाथ हो जाता है। इसलिए तेरी वजह से तेरी माँ की आंख में एक आंसू नहीं आना चाहिए, जिसकी वजह से जिसकी माँ की आंख में आंसू आ गया वो बच्चा बच्चा नहीं वो कपूत है, और ऐसी कपूत को जन्म देने से कोई लाभ नहीं मेरे भाई बहन, कोई लाभ नहीं। अभिषेक कितने प्रश्न क्लियर हो गए? पांच। अब कौन से प्रश्न की बारी? छठे प्रश्न। दो कदम और दूर, कम से कम तो ले ही जाएंगे, और मैं चाहूंगा ये दो भी कंप्लीट करें आप। छठा प्रश्न है आपके सामने, महाभारत का युद्ध कितने दिन हुआ? 18 दिन। ऑप्शन तो सुना ही नहीं आपने। 18 दिन हुआ था। कैसे कह सकते हैं आप, जबकि मेरे ऑप्शन में तो शायद 18 हो भी ना। 18 है तो फिक्स है, तो यही तो फिक्स है, लेकिन मेरे ऑप्शन में नहीं हुआ तो मैं जो ऑप्शन दूंगा उसी में से तो आपको देना है, कि आप अपने आप से ही ऑप्शन दे देंगे? ठीक है, हम आपको ऑप्शन नहीं देते हैं, जाओ आपका उत्तर एकदम। गजब का खेल रहे अभिषेक आप यार, हमको ऑप्शन भी नहीं देने दिया, उससे पहले ही जंग जीत के ले गए, आपको हमारी नजर न लग जाए, आप ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाएं, और 15वें प्रश्न का उत्तर भी ऐसे ही दें जैसे अभी आप मुस्कुराते हुए दे रहे हैं। आई लाइक यू यार, रियली आई लाइक यू माई सन, रियली रियली यू आर सो गुड पर्सन, यू आर इंटेलिजेंट, बहुत अच्छा। धन्य है उन माँ बाप को जो आप जैसे बच्चे को जन्म देते हैं, जिनको धर्म की इतनी नॉलेज है। मैंने अभी ऑप्शन भी नहीं दिया, उससे पहले क्लिक कर गया बंदा है, देखा। और पता है हमारे जो शास्त्र मार्थी जब प्रश्न लिख रहे थे, उन्होंने कहा महाराज इस पे अटक जाएगा बच्चा। हमने कहा क्या बच्चा अटकेगा, बच्चा तो इसको बिना सोचे समझे जवाब दे देगा। है बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और अब एक कदम और, सिर्फ एक कदम आपको जवाब देना होगा, और इस प्रश्न के बदले में आप पाएंगे यहां से 11,000। और आप सबको पुनः सचेत करते हुए, इस प्रोग्राम में कोई कमर्शियल ब्रेक नहीं है, विदाउट ब्रेक हमें ये प्रोग्राम कंप्लीट करना है, लेकिन आपको ब्रेक भी नहीं लेनी ना हमें ब्रेक लेनी है। ब्रेक मत लीजिए सत्य से, ब्रेक मत लीजिए धर्म से, ब्रेक मत लीजिए अपने बच्चों को संस्कार देने से। अगर तुमने जीवन में ब्रेक ले लिया तो तुम्हारे बच्चों के भविष्य में ब्रेक लग जाएगा मेरे भाई। विदाउट ब्रेक धर्म का कार्य करो, विदाउट ब्रेक धर्म का काम करो। ए, तुमको लगता है कि नहीं मेरा शो हिट होगा? किस किस को लगता है हिट हो जाएगा हमारा शो? राधे, मुझे शो हिट नहीं कराना है, मुझे धर्म हिट कराना है। और जिस दिन धर्म हिट हो जाएगा ना, मैं अपने बाल पूरे धर्म के नाम पर समर्पित कर दूंगा, पक्की बात है, ये मेरा डेफिनेट प्रतिज्ञा है। जिस दिन मैं अपने लक्ष्य में पूरा होऊंगा, आज सबके सामने मेरा वचन है। वैसे तो बहुत जल्दी चाहता हूं कि अब इनको उतार दूं, बहुत इनका आभार है, इन केसों का मेरे ऊपर बहुत आभार रहा है, लेकिन फिर भी आइए आप मेरे साथ। एक माताजी का प्रश्न आया, मेरे पति से नहीं बनती है क्योंकि मेरे पति पीते बहुत हैं। प्रश्न अच्छा है, आपके जो प्रश्न आए उनका जवाब भी मैं इस कार्यक्रम में देता चलूं साथ साथ। आप चिंतन करते रहिए, आप अपने में लगे रहिए, टेंशन नहीं लीजिए, फ्री ओके, फ्री ऑफ माइंड। हाँ, और आप सुनिए। एक माताजी बोली मेरे हस्बैंड के साथ मेरी बिगड़ती बहुत है, लड़ाई बहुत होती है, पीते बहुत हैं, तो मैं ध्यान रखूंगा। जो पीते हैं वो सिर्फ मदिरा नहीं पीते, वो अपनी जिंदगी को पी लेते हैं। जो पीते हैं वो सिर्फ मदिरा नहीं पीते, वो अपने सम्मान को पी लेते हैं।
जो पीते हैं वो सिर्फ मदिरा नहीं पीते, वो अपने धन को ही पी जाते हैं। इसलिए मेरे भाई बहन आज कथा पंडाल में प्रण करके जाइए, तम्बाकू नहीं खाना पीना नहीं है, पीना हो तो कोई पियो रे प्याला कृष्ण रस का, कोई पियो रे प्याला, इतना ही है। क्योंकि धर्म मंच का कार्यक्रम का समय चल रहा है और ये बहुत कम समय मेरे पास बचा है और आपके पास मात्र 40 मिनट अब रह गए हैं मेरे साथ रहने के लिए, तो एक बार राधे राधे बोलेंगे, राधे राधे। और ये सातवां प्रश्न है अभिषेक आपके लिए, महाभारत लगता है आपने ध्यान से देखा होगा जी। कितना महाभारत देखा है कि पढ़ा है? कुछ पढ़ा है और देखा तो पूरा है। देखा पूरा है जी। उसी की वजह से आप शायद इतना निडर हो के निष्फिकर होके खेल रहे हैं। आई लाइक इट यार, गुड गुड वर्क। तो आप जब महाभारत के बारे में जानते हैं तो मैं महाभारत के बारे में आपको प्रश्न करूंगा फिर से, मेरा नेक्स्ट प्रश्न भी महाभारत से ही है और मैं चाहूंगा इस प्रश्न का जवाब आप, मुझे मालूम है कहीं ऐसा ना हो मैं बोलूं उससे पहले आप उत्तर दे दें जैसा आपका स्वभाव है। अरे हमको याद है वो 5 करोड़ भी बिहार का ही बंदा जीत के आया था। जोर से बजाओ ताली। इसका मतलब सीधा सा है कि बिहार के लोग ज्ञान में बहुत आगे हैं, बिहार के लोग ज्ञान वृद्ध हैं, बहुत आगे हैं बिहार के लोग। मैं आपको बटरिंग कर रहा हूं, जरा जोर से ताली बजाओ। अरे देखो मैं खुल के बोल रहा हूं, बटरिंग कर रहा हूं, फिर भी ताली नहीं बज रही तुमको। ओ बजाओ। यहां से आगे मैं मध्य प्रदेश में जाऊंगा, मुझे वहां भी यही कहना है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बाकी बिहार के लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं क्योंकि मैंने देखा है वो तमाम आईएएस आईपीएस जो है बिहार से होते हैं और वो जो 5 करोड़ जीत के आए वो भी बिहार से थे, कोई वहां तक पहुंचा नहीं। मिल गए कि नहीं उनको? नहीं, कुछ बीच में न्यूज आया था मिल गए। अरे उनको मिले क्या, मुसीबत मिल गई, उसके पीछे लोग लग गए कि 5 में से 5 तो दे दे। तो ऐसा नहीं भैया, हक पर आयो खाए के यही मिलेगी सीख, हो दरिद्र याद से घर घर मांगो भीख। अगर तुम अपने आप को और अपने परिवार को सुखी रखना चाहते हो तो अपनी मेहनत से कमाओ, किसी की कमाई हुई में से लूटो मत, अगर लूटोगे तो तुम भी एक दिन लूट जाओगे। इसलिए ऐसे लोगों का सम्मान करना चाहिए जो हमारे बिहार की भूमि का सम्मान बढ़ा रहे हैं। अभिषेक आप जानते हो आपको पूरी दुनिया देख रही होगी इस समय आस्था चैनल पे और लाइव टेलीकास्ट। आज तक कोई शो ऐसा नहीं है, आज तक के इतिहास में ऐसा कोई रियलिटी शो नहीं है जो लाइव टेलीकास्ट होता हो जी। रिकॉर्डेड होते हैं, उसमें से गलत चीजें हटा के फिर शो जो अच्छा होता है वो पेश किया जाता है। लेकिन यू आर सो लकी, फर्स्ट टाइम लाइव टेलीकास्ट रियलिटी शो और यू आर ऑब्वियसली प्लेइंग वेरी वेल। पहली बार इतना बड़ा एक धर्म मंच जुड़ा है जिसका लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, पूरी दुनिया देख रही है और आप बड़ी आसानी से खेल रहे हैं, कोई भय नहीं, पूरी दुनिया देख रही है। नहीं, चलो सातवां प्रश्न आपको देते हैं जो आपको 11,000 जिताएगा, महाभारत से ही है जी। ठीक, तैयार जी? तैयार। आपके चेहरे से लग रहा है मेरे प्रश्न बोलते फिर झड़क कर देंगे आप। ऐसे बोले ना मैं प्रश्न बदल दूंगा, कम से कम मेरे ऑप्शन देने से पहले आप उत्तर मत दो यार, मेरे को डाउन कर रहे हो आप, तो मैं डाउन चला जाऊंगा फिर आप हिट हो जाएंगे भाई, मेरे को ऑप्शन तो देने दीजिए। सातवां प्रश्न है, पितामह भीष्म ने महाभारत में कितने दिन युद्ध किया? आप महाभारत के विषय में बहुत नॉलेज है आपको, ऑप्शन दे दें जी। 10 दिन 12 दिन 15 दिन? 10 दिन, बिना सोचे समझे जी जी, फिक्स है 10 दिन। ये सातवां है, सोच जी लो जी, 10 दिन यार, फिर सोच लो जी, 10 दिन। क्यों, 12 भी तो हो सकता है? नहीं, 10 दिन, 15 नहीं हो सकता? ना, 15 तो नहीं हो सकता। क्यों, 18 दिन हुआ था युद्ध जो पूरा है जी, फिर और कुछ सेनापति बने थे वो तो कुछ दिन, तो सेनापति एक एक दिन का क्या, 2-2 घंटे का बन के खत्म कर दिया होगा प्रोग्राम। नहीं, सेनापति मर गया तो बदलना ही पड़ेगा ना जी जी, तब 10 दिन ही होगा। पक्का? पक्का, डेफिनेट डेफिनेट। देखिए बड़ी निडरता से बोल रहे हो, मैं इनको बार बार चेता रहा हूं, कुछ और सोच लो, सोच लो, पर बिहार का है ना, सोचेगा नहीं, क्लिक करेगा बस।
11,000 पक्का आपका फाइनल हो गया। पूरे आस्था चैनल पर दिखाइए यहाँ पर कितना बड़ा जन समूह है और उस जन समूह का आने का लक्ष्य मात्र धर्म प्रचार की रक्षा है और उसमें ये बच्चा अभिषेक निडर होकर खेल रहा है। जोरदार ताली बजाइए। हमारी ओर से विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से पूज्य महाराज जी को आशीर्वाद और 11 ये आपका पक्का 11,000 रुपये कन्फर्म है। ये आपको घर लेके जाना ही है, पक्का लेके जाना है। और मुझे लगता है आप बैठे, माइक पकड़िए, अपना माइक पकड़िए, फिर हम आपको ये रख आपका ही है। जोरदार ताली बजाएंगे आप। बैठिए बैठिए, अभी तो 1,11,000 इंतजार कर रहा है, लेकिन याद रखना 15 में जीत गए तो फिर आपका एक रह जाएगा, 11 ऑलरेडी आप पे है। हार गए तो 11 लेके जाएंगे, जीत जाएंगे तो एक और मिलेगा आपको। जी जी ठीक, ठीक है जी ठीक। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, ये बहुत अच्छी तरीके से आप बहुत अच्छा खेल रहे हैं और बिहार का नाम पूरी दुनिया में हमारे 2-3 लोगों ने ज़्यादा रोशन किया है, तो उनमें से एक आप भी हो जाए मैं ऐसी प्रार्थना भगवान से करता हूँ। जोरदार तालियां बजाएंगे आप इनके लिए। दस दिन उन्होंने युद्ध, उन पिता में भीष्म का ये प्रण था जितने दिन में युद्ध करूंगा उतने दिन में 10,000 योद्धाओं को मारकर ही युद्ध को विश्राम दूंगा, और उन्होंने 10 दिन, 10वें दिन वो शिखंडी उनके आ गए थे जी, सामने में आ गए थे अर्जुन के साथ सामने रथ में, तो उस वजह से फिर वो मारे नहीं गए थे, घायल हो गए थे। और फिर युद्ध के बाद भगवान कृष्ण का दर्शन करके उन्होंने अपने क्योंकि उनको इच्छा अनुसार मृत्यु का वरदान था कि जब वो चाहेंगे तभी मृत्यु होगी, नहीं तो नहीं, तो लेकिन वो मूर्छित हो गए थे, घायल हो गए थे, ठीक है ना। एक बार बोले राधे राधे, राधे राधे, जोर से बोलिए राधे राधे, और जोर से बोलिए राधे राधे। आपको क्या लगता है कि ये धर्म प्रचार ऐसे ही बढ़ता रहेगा? जी बढ़ता ही रहेगा। ये पहली बार आपके साथ हम इतना बड़ा ये शुरू किए हैं, तो आपको लगता है कि हम आगे बढ़ेंगे ऐसे ही? जी बढ़ेंगे। ये धर्म का कार्य आगे बढ़ेगा? जी बढ़ेगा। और आप इसमें हमारा सपोर्ट करेंगे? जी जी पक्का। जी पक्का। अगली बार कहीं बुलाएंगे तो आ जाओगे? जी आ जाएंगे। अच्छा आपकी पढ़ाई, कितना पैसा खर्चा होता है आपकी पढ़ाई में? मेरी पढ़ाई में मंथली लगभग 1,500 खर्चा हो जाता होगा। 1,500 खर्चा हो जाता है। तो आपको जो धनराशि मिली है इससे आप कितने महीने पढ़ लेंगे? जी एक महीना पढ़ लेंगे। है? एक महीना पढ़ लेंगे। एक महीना जी। अरे 1,500 आपको महीना खर्चा होता है, 11,000 आपका मिल गया तो 1.5 महीना कैसे? अब ट्रिपल ईयर या अच्छा और आगे जाएंगे। और मैं तो चाहूंगा 1 साल का खर्चा आप कम से कम पढ़ाई का। और एक बात ध्यान रखना, इस पैसे को कहीं इधर उधर खर्चा मत करना, सिर्फ अपनी पढ़ाई पे खर्चा करना। और अगर पढ़ाई पे खर्चा करोगे तो मुझे लगता है कि आप बहुत आगे जाओगे, बहुत पढ़ोगे, ये मेरा वादा है आपसे। अब आपके लिए जो 8वां प्रश्न है, और अब और नजदीक जा रहे हैं उस मंजिल के आप। 8वां प्रश्न है, भगवान श्री कृष्ण ने कितने प्रकार के रास किए, है कुछ आइडिया इस विषय में? ऑप्शन से पहले जवाब देते हो यार आप? नहीं आइडिया। दो पिछले प्रश्न आप एकदम शड़ाक से दे चुके हो जी। और बिना हमारे ऑप्शन दिए, तो अभी मेरे को आप ये बताएं कि भगवान श्री कृष्ण ने कितने प्रकार के रास किए, 5, 2 या 3? आप सोच लीजिए, इधर उधर नहीं देखेंगे तब तक हम एक भजन पेश कर दें इनके लिए। ये परेशान हो रही जनता, ये भी उदास हो रही है, तो एक बार आपके लिए भजन गा देते हैं, उसके बाद आप कहीं देखेंगे नहीं, आपका ध्यान यही होना चाहिए, पीछे से कोई ऑप्शन इनको देगा नहीं। आप मेरे साथ, मेरा आपकी कृपा से
सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से, सब काम हो रहा है। कोई भी खड़ा नहीं होगा, कोई भी खड़ा नहीं होगा, जो भी चाहते हैं ये धर्म का, ये देखिए यही तो गलत बात है आप लोगों की, सब बैठकर ताली बजा कर नृत्य करते रहे। हरि बोल, श्री राधे राधे। की कृपा से सब काम हो रहा है, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया दोनों हाथ उठाकर ताली बजाइए, नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। श्री राधे, जय हो। चल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं हूँ कुछ भी, कुछ भी करता नहीं हूँ कुछ भी, कुछ भी सब काम हो रहा है, करता नहीं हूँ कुछ भी सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। कमाल हो रहा है, तेरे ही प्रेरणा से कमाल हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, 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 सब काम हो रहा है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री।
भाई लोग, और उन्होंने कहा कि महाराज हमारे घर में शांति नहीं रहती है, हमारे घर में अशांति बहुत रहती है, कृपा करके ऐसा बात काम बता दीजिए, बात बता दीजिए जिससे हमारे घर में शांति रहे। तो मेरी बात ध्यान से सुने, जितने प्यार से आप दूसरों की पत्नी से, जितने प्यार से आप दूसरों के बच्चों से, जितने प्यार से आप दूसरों के माँ बाप से बात करते हो, उतने ही प्यार से अगर आप अपनी पत्नी, अपने माँ बाप, अपने बच्चों से करने लग जाओ तो मैं दावे से कहता हूँ आपके घर में शांति अवश्य होगी। दूसरे लोगों से बहुत प्यार से बात करते, मैंने देखा है कई लोगों को, कोई दूसरा आ जाए ना, आओ जी बैठो जी, ले ले जी, खा ले जी, पी ले जी, और अपने खा ले, ओ खा ले, कई बार तो खाने वाला मांगता रहता है, मिलता ही नहीं है ना। तो जितने प्यार से आप दूसरों से बात करते हो, उतने प्यार से आप अपने घर वालों से बात करो, मैं भी सच कहता हूं आपके घर में शांति अवश्य होगी, अवश्य होगी, अवश्य होगी। बोलो राधा। मैं आप अभिषेक, प्रश्न आठवां, आपको याद है मेरा प्रश्न जी? क्या प्रश्न है? श्री कृष्ण भगवान कितने प्रकार के रास किए? भगवान श्री कृष्ण ने कितने प्रकार के रास किए? ऑप्शन 5, 3, 2। कुछ पता चला, कुछ आइडिया लगाया? मैंने आपको इतनी देर सोचने के लिए दी, आपने कुछ सोचा? तीन है? तीन नहीं, ऐसे मत बोलिए, दब के बोलिए, जैसे बोलते रहे हो, 3, 2, 5, कौन सा आपको राइट क्या लगता है? तीन ही लगता है। लगता है कि है? वही होगा, वही होगा। रास के बारे में कभी कुछ सुना? जी सुने थे, लेकिन कितने प्रकार के किए वो नहीं जानते। तो ये भी आप सिर्फ गैस कर रहे हैं जी? सिर्फ जी, नो आइडिया? नो आइडिया, फिर भी सोच लो थोड़ा जी, सा जी। तीन ही हो रहे? तीन ही है जी। ये बंदा कमाल का है, सिर्फ बोल, जो सोच लिया वो सोच लिया, इधर उधर ट्रांसफर नहीं होना है। एक रास के बारे में मैं आपको बता दूं, उसका नाम है रास, और दूसरे रास के बारे में बता दूं, उसका नाम है नित्य रास। तीसरे रास के बारे में बता दूं, महारास। चौथे रास के बारे में बता दूं तो आपका प्रश्न, तब तो गड़बड़ ही हो जाएगा। चौथा रास है कि आप ये प्रश्न जीत गए हैं, आपका उत्तर सही है। अभी अभी जो हुआ वो चौथा रास हो गया, आपने गैस किया और सब लोग झूम उठे, तालियां बजा उठे, और जो भगवान के काम में आनंद आए वही तो रास है, ये चौथा रास हो। क्या बोलेंगे? लेकिन आपको लगा ये प्रश्न थोड़ा कठिन था? जी जी बहुत कठिन। अब यार थोड़ा सा तो कठिन डालना पड़ेगा ना, 11,000 ऑलरेडी आपकी जेब में जा चुके हैं, तो अब थोड़ा सा जैसे जैसे मंजिल करीब आएगी। एक बात मैंने बहुत अच्छी पढ़ी थी, रास्ता अगर खूबसूरत हो, ध्यान से सुने, रास्ता अगर खूबसूरत हो तो पता कर लो कि वो कहां जा रहा है, और मंजिल अगर खूबसूरत हो तो फिर रास्ते की परवाह मत करना, क्योंकि मंजिल बहुत खूबसूरत है। और मेरे भाई, नौवां प्रश्न आपके सामने है, मुझे लग रहा है आसान है। रामायण पढ़िए कभी? जी पढ़े। कितना पढ़े? कितना कहानी है मालूम पूरा? रामायण पढ़ी है, लेकिन ये प्रश्न रामायण में से है, आपको फिर से गैस करना पड़े, मैं नहीं चाहता हूं, मैं चाहता हूं आप दमदारी से जवाब दें। और प्रश्न है, जटायु के भाई का नाम क्या है मालूम? ऑप्शन दीजिएगा तो मालूम हो जाएगा। गरुण, कागभूषण, संपाति? संपाति। क्या बात है यार, क्या गजब का से बात, क्या गजब से खेल रहा है बंदा, मुझे बड़ी खुशी हो रही है, मेरे चेहरे से झलक रहा होगा, आनंद आ रहा है, आज मुझे मेरी टक्कर का मिल गया है कोई, है चकाचक जवाब दिएगा। और मुझे आपके खेलने के अंदाज से लग रहा है, ये जो बैठे हैं ना, ये पहली गलती और इनकी आखिरी गलती बन गई। इनकी जो पहली गलती है ना लेट लिखने की, वो आखिरी बन गई,
क्योंकि आप इनको मौका देना चाहते ही नहीं हो, क्योंकि वैसे भी प्रोग्राम खत्म होने का समय आ गया है और मैं चाहता हूं खत्म होने से पहले पहले मेरे प्रश्न सारे हो जाएं, और अगर प्रश्न से पहले समय रह गया तो समय पूरा हो गया तो लड़ोगे मेरे से, लेकिन नहीं, मैं चाहूंगा कि 15 के 15 प्रश्न आपके साथ तो कम से कम करूं। तो कितने प्रश्न हो गए? 9 हो गए, और आपने 9 प्रश्नों का उत्तर एकदम सही दिया है। अब आपके सामने 10वां प्रश्न है और मुझे लगता है ये भी महाभारत का है तो आप सही जवाब दोगे। कान्हा की कृपा होगी तो सही है। अब कृपा कान्हा की नहीं, यहां ज्ञान आपका जगना चाहिए। ये तो कान्हा ने एक मंच दिया है आपको, इतना बड़ा मंच कि पूरी दुनिया आपको देख रही है। अब यहां ज्ञान आपका काम करेगा, जब आपका ज्ञान अच्छा होगा तो आप यहां तक पहुंच जाएंगे। मेरा 10वां प्रश्न है, पितामह भीष्म किसके शिष्य थे? परशुराम के थे। है? परशुराम के थे। फिर आपने वही गलती कर दी, मेरे ऑप्शन देने से पहले आपने आंसर कर दिया। इसके बदले में मुझे ये प्रश्न बदलना पड़ेगा, डेफिनेट बदलना पड़ेगा। बदल दूं? नहीं यार, नहीं बदलूंगा। जाओ, बहुत अच्छा है। आपने जो ये प्रश्न का उत्तर दिया है, आप अब तक 10 प्रश्नों का उत्तर, जहां तक मुझे याद है आप दूसरे प्रश्न पर थोड़ा सा पुआ वाले पे रुके थे, उसके बाद आप कहीं रुके नहीं हो। इसके बाद जो आपके आंसर हैं वो एकदम क्लिक हैं, एकदम बहुत फटाफट आप उत्तर दिए जा रहे हैं, लाजवाब है, उस समय अमेजिंग है। और ये बने रहें, सिर्फ 5 प्रश्न और आपको उत्तर सही करना है। और 11वां प्रश्न, भागवत सुनते जी? जी। कितना? आप जितना करते हैं सब सुन लेते हैं। हैं? जितना हम करते हो उतना ही सुनते हो जी, उसके आगे पीछे नहीं सुनते हो? और कोई कोई महाराज का सुन लेते हैं। नहीं तो मेरा ही क्यों सुनते हो भाई, ऐसी मुझ में क्या खास बात है? लंबे बाल है? नहीं, अच्छा लगता है सुनना। नहीं, मेरे लंबे बाल हैं, बहुत से लोग इसलिए मुझे सुनते हैं कि बाबा की पहचान है, लंबे बाल बाल बाबा, तो इसलिए सुनते हैं या कोई और परेशानी आपको? नहीं नहीं, अच्छा लगता है आपका आवाज इसलिए। हमको अच्छा लगते हैं जी। हमको आप प्यार करते हैं जी। आह, क्या बात, अच्छा है। तो प्यार तो करना ही चाहिए, जो भगवान की कथा सुनाए उन सबसे प्यार करना चाहिए, है ना? जो अच्छी बात बताए उन सबसे प्यार करिए। और आप सब भी सुन लीजिए, जो भी भगवान की कथा सुनाए या भगवान की चर्चा सुनाए या तुम्हें अच्छी दिशा में ले जाए, उन सबसे प्यार करना चाहिए। और आपके आगे 11वां प्रश्न है, जड़ भरत ने किसको उपदेश दिया था? अर्जुन, कपिल, राहुगण। ऑप्शन क्या है? अर्जुन, कपिल, राहुगण। राहुगण, राहुगण। कपिल जी के बारे में सुना है जी? सुने हैं, लेकिन वो नहीं, राहुगण ही है। राहुगण ही होंगे जी? कंफर्म है जी? कंफर्म है। भैया बजाओ जोर से ताली। मैं एक बात तो दावे से कह सकता हूं कि अभी भी हमारे नौजवानों में बहुत गहरी नींव है धर्म की, बहुत ज्यादा गहरी नींव है, बहुत ज्यादा, बहुत गर्व की बात है। और मैं एक और बात बता दूं आपको, अभिषेक, यहां पर बहुत वृद्ध ऐसे बैठे जिनको शायद मेरे प्रश्नों के, कई प्रश्नों के जवाब नहीं मालूम होंगे, ये पक्की बात है, उनको पक्का नहीं मालूम होंगे। लेकिन आप बड़े मजे से और बड़े फ्री होकर ऐसे ऑप्शन जाके उत्तर दिए जा रहे हैं, प्रश्नों के उत्तर वो लाजवाब है, बहुत ही गजब के हैं, बहुत ही गजब के। आपके सामने 12वां प्रश्न है, कर्ण के विद्या गुरु कौन थे? ये भी महाभारत से ही मालूम है जी, परशुराम थे। फिर आपने मेरे ऑप्शन के बिना बोल दिया। अब की बार तो चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज थर्ड टाइम। आप पूछे तो इसलिए बोल दिए। कहां पूछे हम? हमने कहा इसके विषय में कुछ मालूम है, हमने नहीं कहा कि आपका उत्तर क्या है।
हमने नहीं कहा कि आपका उत्तर क्या है, हमने कहा इसके विषय में कुछ मालूम है जी? मालूम है। तो अब तो आप उत्तर दे चुके और आपको मालूम है वो प्रश्न आपका गलत है, उत्तर जो आपका गलत है। नहीं, सही है। और अब तक आप 12 प्रश्नों का सही जवाब दे चुके हैं, एकदम करेक्ट। और कितने प्रश्न ऐसे हैं जिनके ऑप्शन भी हमारे अभिषेक ने सुनना पसंद नहीं किया, मतलब पहले से ही प्रिपेयर है, और फिर आप कह रहे हैं आप कोई तैयारी करके नहीं आए, ये तो मजाक नहीं कर रहे हो आप? जी हम कथा पंडाल में ही सोते थे और वहीं खाते थे फिर। नहीं यार, मजाक लग रहा है मुझे तो। चलो 13वां प्रश्न, मात्र 3 कदम दूर हैं आप, मात्र 3 कदम, और ये 3 प्रश्न आपको बहुत करीब ले जाएंगे 15 में, उस जो राशि यहां से मिलेगी आपको, आप वहां तक पहुंच जाएंगे। और ये 13वां प्रश्न है, भगवान श्री कृष्ण के बड़े पुत्र का नाम क्या था? सांब ऑप्शन है, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न। प्रद्युम्न, क्या बात है। और ये 13वें प्रश्न का बहुत लाजवाब, एक बार जोर से बोलिए, हमें नहीं पता था कि पहले ही प्रोग्राम में, पहले ही कार्यक्रम में कोई इतना साहसी बच्चा हमारे साथ बैठेगा और इस तरीके से जाएगा। मात्र 2 प्रश्न और, मात्र 2 प्रश्न और, और 2 प्रश्नों के उत्तर सही देने पर आप पहले ही प्रोग्राम में फुल राशि के हकदार हो जाएंगे और ये अपने आप में एक चमत्कार होगा, वो भी लाइव टेलीकास्ट, पूरी दुनिया देख रही है। 14वां प्रश्न ध्यान से सुनेंगे, और 14वां प्रश्न है, भांडिर्यवन किसके नजदीक है? वृंदावन, माठ या मथुरा? प्रश्न एक बार दोहरा दो, भांडिरी वन किसके नजदीक है? मथुरा, वृंदावन, माठ? सुना है इसके बारे में कुछ? कभी नहीं कुछ सुना। तो जिनके बारे में महाभारत सुने थे, महाभारत पढ़े थे, उनके इस क्वेश्चन के आंसर बिना हमारे बोले दिए जा रहे थे। भागवत सुनते हो तो ये भागवत का ही प्रश्न है। वृंदावन ही होना चाहिए। होगा नहीं जी, वृंदावन। देखिए 14वां प्रश्न है, एक प्रश्न का जवाब आपको और ले जाएगा आखिरी प्रश्न पे। वृंदावन ही होगा। है वृंदावन ही होगा। क्या करना है, फाइनल करना है इसको? सोच लीजिए और आप जी। वृंदावन ही रहने दीजिए। नक्की कर दें और एक बार सोच लीजिए जी। सोच लीजिए। सोच लिए? अभिषेक बहुत खेले आप, बहुत अच्छा। इतनी छोटी सी उम्र में इतना खेलना छोटी बात नहीं है। मैंने आपको बार बार कहा कि और सोच लो, और सोच लो,
लेकिन शायद आपने पिछली बार की तरह दोबारा अपनी जगह से हटना उचित नहीं समझा, और इस बार मुझे दुख है कि आपका ये आंसर गलत है, पक्का गलत है। अब इसमें कोई चांस नहीं है, कोई बात नहीं, बहुत नजदीक है, बहुत नजदीक, 15वें प्रश्न तक आप 14 प्रश्न पे रॉन्ग हुए हैं, और मुझे दुख हो रहा है, शायद आपको नहीं हो रहा होगा उतना जितना मुझे हो रहा है। काश आप दो प्रश्न और मैं मेरे हाथ में होता तो मैं प्रश्न भी बदल देता। ठीक है, कोई बात नहीं है, कहना चाहते थे, लेकिन आप बहुत यार अच्छा खेल रहे थे। आई फील वेरी वेल विद यू यार, लेकिन क्या करूं, जिसके लिए मैंने ये मंच तैयार किया है, हम सब का धर्म मंच, ये इसलिए तैयार किया है जिससे हमारे नौजवानों को धर्म का संस्कार मिल सके, जिससे हमारे बच्चों को धन भी मिल सके, और जिससे हमारे बच्चे जान सके कि हम राम और कृष्ण के भूमि के रहने वाले हैं। और आपने इसमें मेरी बहुत मदद की है और बहुत कार्य किया है आपने, एक बार जोरदार तालियां। आप भगवान का प्रसाद मिला है, और कभी भी नहीं, मैं आपसे ये कार्य नहीं होने दूंगा। जब आप कमाएंगे ना, जब आप कमाएंगे अपनी नौकरी से, और जब पढ़ लिख के आप बड़े हो जाएंगे और कुछ IAS IPS या कुछ और बड़ा सा बन जाएंगे, आई विश ऑल द बेस्ट योर लाइफ कि आप कुछ बने, और उस समय जब आप कमा के देंगे ना, तो प्यारे 11,000 नहीं, उम्मीद रखेंगे कि आप 11,00,000 की धर्म की सेवा करें, 11,00,000 की। और आप आज ये भगवान के मंच से हम आपसे प्रार्थना करेंगे कि भगवान आपको बहुत कुछ बनाए, बहुत कुछ, और आपको आगे तक लेके जाए, ये मैं प्रार्थना करता हूं। जोरदार ताली बजाएंगे उसे के लिए, जोरदार ताली। और जिस प्रकार इस कार्यक्रम को आज ही शुरुआत यहाँ पर की गई, और आज ही इसको यहाँ पर आगे और शहरों में यहाँ पर किया जाए, इस कार्यक्रम का समय हो चुका है और अभी भजनों का आनंद शेष है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, जो आस्था चैनल पे सुन रहे हैं, आपको ये जरूर बताना पड़ेगा कि मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा। हमारे विश्व शांति सेवा समिति प्रचार का ये जो हम सब का मंच है, धर्म मंच है, ये कैसा लगा। अगर आप हमारा प्रोत्साहन बढ़ाएंगे तो आई प्रॉमिस यू, आज हमारे भारतवर्ष में जैसे और शोओं को दुनिया देखती थी, मैं दावा करता हूं उन सबसे ज्यादा हमारे नौजवान हमारे इस कार्यक्रम को देखेंगे और धर्म में आगे बढ़ेंगे। और मेरी उम्मीद है, मेरी इच्छा है कि वो बच्चे, जैसे ये बिना सोचे समझे जवाब दिए जा रहा था, वैसे ही हर हिंदुस्तान का बच्चा हमारे धर्म से संबंधित प्रश्नों को सही उत्तर देता जाए और आगे बढ़ता चला जाए, यही प्रार्थना करता हूं सभी के साथ। अभी आइए, कोई भी खड़ा नहीं होगा प्लीज, ये गलत है, ये बुजुर्ग कर रहे हैं ना, हमारे बच्चे आपसे ही सीखेंगे, और जो बच्चे सीखेंगे ना उनके सूत्रधार आप हैं। आप सुभद्रा मत बनिए, सो गई तो आपके बच्चों का भविष्य सो जाएगा। बैठ जाइए, 10 मिनट और हैं आपके पास। सभी भक्तों से निवेदन, अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। जिस प्रकार हम सब के धर्म मंच पर आज कार्यक्रम की शुरुआत हुई, आप लाखों के भक्तों के बीच में, जिस प्रकार इस पूरे कार्यक्रम में यहाँ पर उमड़ा जनसैलाब, और इस कार्यक्रम की शुरुआत, और जिस प्रकार और भी लोगों को मौका नहीं दिया आपसे एक ने, तो मैं निवेदन करूंगा कि आने वाले कार्यक्रम के बारे में जानकारी में दे दूं।